हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे समोसे। आइए शुरू करते हैं। एक कटोरी मैदा लिया है मैंने, ये बड़ी कटोरी है, इसमें कम से कम 8 से 10 समोसे बन जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाली है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हम सबसे पहले गूंथ के रख देंगे, इसलिए गूंथा है पहले ताकि हम पहले से गूंथ के रखेंगे तो समोसे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने हाथ से थोड़ा सा उसमें होल कर दिया, बीच में जगह करके उसमें घी भर दिया। इतना ये हमारे माप के लिए, अंदाज के हिसाब से मैंने आपको बताया। ये देखिए, अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है पूरे मोन को। अब हम इसको टाइट आटा बांध लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सबको, ये देखिए टाइट आटा गूंथ लिया है हमने। सबसे पहले हम आटा लगा के उसको हम एक साइड में रख देंगे, फिर तो बाकी की प्रिपरेशन करेंगे हम। देखिए, कपड़ा ढक के, अब इस पर एक थाली ढक के हम इसको साइड में रख देंगे। और हमने आलू की प्रिपरेशन के लिए, मैंने 6 आलू लिए हैं बड़े बड़े, उसको छील के रखे। 2 हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, इतनी मटर लगेगी, 1 छोटा बाउल जितनी ये पुदीने के पत्ते हैं, सबको धो के रखा है। ये हरा धनिया कटोरी, अब सबको हम पहले मिक्सी में पीस लेंगे। सबसे पहले मैंने हरा धनिया डाला, फिर पुदीना लिया है, क्वांटिटी मैंने आपको दिखा दी। 2 हरी मिर्ची हैं, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्ची ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदरक का बड़ा टुकड़ा, 1 मुट्ठी जितना मैंने मटर लिया, आधी मटर मैंने रख दी है क्योंकि हम बाद में काम कर लेंगे। अब हम सबको ब्लेंड कर लिया मिक्सी में। ये देखिए, अच्छे से ब्लेंड हो गए। अब हम इसको मसाले को भून लेंगे। इतना तेल डाला है मैंने, जो हमने मिक्सी में मसाला पीसा है वही मसाले को भूनेंगे। तेल गर्म हो गया और सबसे पहले मैंने 1/2 चम्मच जितना जीरा डाला है। अब इसमें जो हमने मिक्सी में मसाला पीसा था, धनिया, पुदीना, मटर का, हरी मिर्ची का, उन सबको भून लेंगे। ये देखिए, हल्का सा भून गया, ये सिम कर दिया। और अब हम सारे मसाले डाल देंगे। थोड़ी हल्दी डालिए, थोड़ी मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये सौंफ और सूखा धनिए का पाउडर है, ये मैंने बना के रखा है। आप जब भी कोई इस तरह की चाट बनाएं या आलू पराठा या ऐसा कुछ भी, तब आप इसको ज़रूर यूज़ करें। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ये भी घर का है, और ये है चाट मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी गरम भून लेंगे। ये देखिए, ये बाकी के जो मटर रखे थे वो मैंने इसलिए रखे थे, इसमें डाल दिए। अब इतना पानी डालेंगे और थोड़ी देर और भून लेंगे। और जो हमने आलू अभी उबाल के रखे थे उनको मैश करके डाल देंगे, हाथ से ही मैश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे आलू एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। गैस मैंने सिम रखा है ताकि मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से सबको एक एक को अच्छे से मैश कर लेंगे चम्मच से, और मिक्स करते जाएंगे ताकि मसाला भी एक रस हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमको मसाला बना के रखना है। आटा तो हमारा गूंदा हुआ था और मैंने तेल गरम करने रख दिया, और हमारा मसाला भी तैयार है। ये देखिए, इतनी देर हमने आटा गूंद के रखा था, कितना अच्छा हो गया हमारा आटा। थोड़ी सी इसको और मैश कर लेंगे हाथ से। ये देखिए, इस तरह से हमारा आटा एकदम अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा समोसे के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने एक बड़ी लोई ले ली थी, इतनी थिन बना ली है इतना, और इसको इतनी बड़ी पूरी जैसा रोटी की तरह बना लिया है, इसको बीच में से कट कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से इसको ऐसे हाथ पे ले लेंगे, और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके और साइड की किनारों को पहले दबा देंगे, और थोड़ा सा पानी लगा के फिर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे। और इसमें हम हमारे मसाला तो समोसे की फीलिंग है बना के रखी है वो भर लेंगे। देखिए, अच्छे से फीलिंग भर लेंगे। अब इस पर भी थोड़ा सा ऊपर से पानी गीला करके, और हम इसको इतना अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारे समोसे खुले ना। अच्छे से दबा के इन सबको एक एक करके समोसे रख लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे समोसे बना के रख लेने हैं। अब एक एक करके हम तेल में तल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से एक एक को छोड़ देंगे। अब
फास्ट गैस पे इसको फास्ट आंच पे ही पकाना है हमें। ध्यान रखेंगे कि हमारे समोसे जले नहीं, अच्छे से इनको पका लेंगे, सुनहरा होने तक पकाएंगे। देखिए इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि एकदम अच्छे सुनहरे हमारे समोसे एकदम सुनहरे हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें समोसा बना के उतारना है। ये देखिए एकदम तैयार है हमारे समोसे। आप भी इस तरह से बनाइए और इंजॉय कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।